हेलो जी नमस्ते, हर हर महादेव। तो इस टाइम मैं अगर आ रखा हूँ आगरा में बटेश्वर धाम के अंदर, तो आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, कैसे आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, कितने मंदिर हैं यहाँ, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आइए घूमते हैं बटेश्वर धाम। और यहाँ से बटेश्वर रह गया 5 किलोमीटर बटेश्वर धाम। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ बटेश्वर गांव में, और यहाँ से जो मंदिर की दूरी रह गई है बटेश्वर धाम की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर से भी कम में। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, और बीच में ये देखिए आप जमुना जी पड़ती हैं, जिसे क्रॉस करने के बाद ही आपको बटेश्वर धाम के दर्शन होंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं जमुना जी के। हालांकि अभी पानी इतना ज़्यादा नहीं है, मॉनसून के टाइम आएंगे आपको बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा। और बाकी सीधा रोड गया है बटेश्वर धाम के लिए। चलिए आइए चलते हैं शिव की नगरी बटेश्वर धाम। तो ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं ये है बटेश्वर धाम मंदिर आने के लिए मेन द्वार, और यहाँ से आने के बाद आप सामने देखेंगे बोर्ड, और हम बटेश्वर मंदिर में पहुँच चुके हैं। और थोड़ी दूर पे मंदिर है तो वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं बटेश्वर धाम, और यहाँ की जो मार्केट है वो आप देखिए। मंदिर यहाँ से बस थोड़ा सा दूर रह गया है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बटेश्वर धाम में, और ये यहाँ की मेन मार्केट है अभी देख सकते हैं। और आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी पीछे पार्किंग, तो आप गाड़ी वगैरह लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पार्किंग में आप लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मंदिर में घुसने से पहले ना यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी आपको, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप की दुकानें हैं ये। ये प्रसाद के पैकेट कितने के हैं? ये 20 रुपये का पैकेट है, ये आप ले सकते हैं यहाँ से। और ये थाली वगैरह 100 रुपये, ये 100 रुपये की थाली है, 20 रुपये की थाली है ना। तो आप कभी भी यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ से प्रसाद वगैरह ले जाना ना भूलें। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं हम लोग। तो मंदिर प्रमाइसिस में हम लोग आ चुके हैं, बाकी अंदर देखिए आप लोग, पूरी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अंदर आने के बाद काफ़ी सारी मार्केट हैं यहाँ से, प्रसाद वगैरह भी हैं, और एक घंटा वगैरह भी यहाँ पे मिल रहे हैं। और देखिए सिंदूर वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी जब अंदर घुसेंगे तो आपको बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ है, आई थिंक सो काफ़ी बड़ा पीपल का पेड़ है। चलिए पास से आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना बड़ा पीपल का पेड़ है। तो ये पीपल का पेड़ नहीं है एक्चुअली में, ये वट वृक्ष है, और पीपल का जो पेड़ है वो उस साइड में है। तो फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर में, आइए मेरे साथ चलिए। ये हमारे नंदी भगवान। तो यहाँ से मंदिर की एंट्री होती है, हम लोग मंदिर में एंट्री कर रहे हैं।
चलिए अंदर चलते। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। मंदिर है ना, वो यमुना जी किनारे बना हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। चलिए यमुना जी के पास। तो ये आप देखते हैं, यहाँ पर यमुना जी बह रही हैं। और ये देखिए लाइन से ना, कितने सारे मंदिर लगे हुए हैं, ऐसे लाइन से पूरे मंदिर लगे हुए हैं वहाँ तक। और इधर से भी दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ से पूरे मंदिर हैं लास्ट तक। तो दर्शन काफ़ी अच्छे हुए हैं। बाकी ये नाव वगैरह हैं, आप चाहें तो इसमें घूम भी सकते हैं। तो अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ना, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो यमुना जी है ना, वो उल्टी बहती हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, ये ना एक्चुअल में ये जो नदी है अभी इस टाइम ना इधर को आ रही है, ठीक है ना, उधर से ना इधर को आ रही हैं। जबकि नदी ना पीछे से आगे को निकलना था इस तरफ को, लेकिन इधर को आने के बाद पूरा ये बटेश्वर धाम है, उसको क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस करने के बाद फिर पीछे से ना फिर यहीं पर मिलती हैं आके। तो ये जो राउंड मारती हैं, इसलिए कहा जाता है यहाँ पर यमुना जी उल्टी घूम रही हैं। बाकी आगे चलते हैं, दूसरे मंदिर वगैरह आपको दिखाते हैं। अभी हम सामने जा रहे हैं गौरी शंकर महाराज जी के मंदिर में। साथ जी के मंदिर के आसपास का जो एरिया है वो इस तरीके का है कुछ। यहाँ अभी छोटी सी मार्केट लगी है, एक्चुअली पूरा मंदिर का ही एरिया है। तो हर मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। और यहाँ मंदिर में देखिए शिव जी की मूर्ति कितनी बड़ी है, और ये नंदी भगवान भोले बाबा। तो ये देखिए भोलेनाथ बैठे हुए हैं पार्वती माता जी के साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भोलेनाथ है और यहाँ पे पार्वती माता। ये पार्वती माता थी। Thank you.
तो यहाँ पे हमने गौरी शंकर महाराज के दर्शन कर लिए हैं, पूरे परिवार सहित बैठे हुए थे। तो आगे चलते हैं अभी हम लोग। ये है भीमेश्वर महादेव मंदिर, ये अभी बंद पड़ा है। तो अभी तो दो मंदिर हम घूम चुके हैं, ये तीसरा मंदिर पे आए हैं तो ये अभी बंद है। आगे को चलते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे भोले बाबा की शिवलिंग देखिए, आप इतनी सुंदर बनी हुई, काफी ऊंची सी शिवलिंग है ये। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। और भोले बाबा के दर्शन करते हुए हर हर महादेव। चलिए अगले मंदिर में चलते हैं। और अभी हम लोग आ रखे हैं मोटेश्वर बाबा जी के धाम में, और कहा जाता है इनकी इनसे गले मिला जाता है, तो आइए हम भी गले मिलते हैं। जय भोलेनाथ। और ये अभी हम जा रहे हैं श्री रामेश्वरम मंदिर में। अब इस मंदिर में चलते हैं हम लोग। नाम नहीं लिखा हुआ है बट ठीक है, भोलेनाथ का मंदिर है तो हम यहाँ भी जा रहे हैं। तो यहाँ भी भोलेनाथ के हमारे दर्शन हो रहे हैं, और अभी तक हमने कम से कम 7-8 मंदिर घूम लिए, सब में दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं हमें भोलेनाथ के। चलिए और भी मंदिरों में घूमते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। हर हर महादेव। आइए चलते हैं, एक और मंदिर में आ चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ भी शिवलिंग है, पर यहाँ तक आते हैं भीड़ ना काफी भीड़ छूट जाती है, बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं। जय भोलेनाथ। जय नंदी भगवान। चलिए आगे को चलते हैं और दूसरे मंदिर में दर्शन करने चलते हैं भोलेनाथ के। और ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, ये है श्री पंचमुखेश्वर महादेव मंदिर बटेश्वर धाम। और ये मंदिर अभी बंद पड़ा हुआ है, तो कुछ मंदिर यहाँ पे बंद है, कुछ खुले हुए हैं। तो हम बात कर लेते हैं बटेश्वर धाम कैसे आ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, बटेश्वर धाम है वो आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और कम से कम 1.5 घंटा लगता है बटेश्वर धाम तक आने के लिए। तो आप किसी भी शहर से आ रहे हैं तो आप आगरा आ जाइए, आप फ्लाइट के थ्रू भी आगरा आ सकते हैं, बाई ट्रेन बाई रोड कैसे भी आगरा आ सकते हैं। इसका नियर बाई जो एयरपोर्ट है वो आगरा में स्थित है। इसके अलावा अगर आप ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं तो सबसे नियर बाय जो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा सुखाबाद का, और वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम है। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बाय रोड आप आगरा तक आ जाइए, वहाँ से 1.5 किलोमीटर, बाय फ्लाइट आगरा आ जाइए, या ट्रेन से आना चाहते हैं सुखाबाद, तो आप तीनों तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत ईजी है, रोड अच्छे खासे बने हुए हैं, तो जब आपकी इच्छा हो भोलेनाथ आपको बुलाएं तो आप ज़रूर आइएगा। चलिए आगे को चलते हैं और मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। ये एक और मंदिर है भोलेनाथ का, अब उसके दर्शन आपको कराते हैं। जय भोलेनाथ। एक चीज है, आप बटेश्वर धाम में जो आएंगे ना, तो यहाँ भोलेनाथ की जो शिवलिंग है ये आप देखेंगे बहुत हैवी बने हुए हैं, काफी बड़े बड़े बने हुए हैं। ये देखिए बहुत बड़े बड़े शिवलिंग है यहाँ पे।
अभी तो यहाँ पे भीड़ कम है, जब यहाँ पे मेला लगता है ना बटेश्वर धाम में, जब मेला लगता है तब यहाँ पे काफ़ी भीड़ आती है और आपको शायद भोलेनाथ के दर्शन करने बहुत दुर्लभ हो जाएंगे। इतनी भीड़ चलती है कि आपको थोड़ी देर मतलब बस यहाँ से निकलते रहना पड़ता है, बस आप थोड़ा सा देखिए और चलते हुए, इतने सारे दर्शन नहीं होते हैं। अभी तो हम आ रहे हैं बहुत देर तक महादेव के साथ अपना समय व्यतीत कर पा रहे हैं, पर मेले के टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए और जगह भी चलते हैं। ये देखिए एक और मंदिर है, ये अभी बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी सारे मंदिर एक्चुअली में यहाँ बंद किए हुए हैं, पर जितने खुले हुए मंदिर हैं वो हम आपको दिखाते चलेंगे। ये देखिए एक ये मंदिर है जागेश्वर महादेव मंदिर, बट ये भी बंद है अभी इस टाइम। जोगेश्वर घाट, और ये देखिए घाट वगैरह बना रखे हैं यहाँ पे। इस घाट का नाम है जोगेश्वर घाट, और जब यमुना जी में काफ़ी ज़्यादा जल होता है, साफ जल होता है, तो लोग यहाँ पे काफ़ी स्नान भी करते हैं और स्नान करने के बाद भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और देखिए कुछ मंदिर यहाँ भी हैं, ये बंद कर रखे हैं, और ये सामने एक मंदिर है ये खुला हुआ है। आइए यहाँ पर चलते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी ना भीड़ नहीं है तो हमें दर्शन अच्छे से हो रहे हैं, अगर भीड़ होती तो शायद यही दर्शन हमारे को नहीं होते और हम लोग एक आध मंदिर के दर्शन करने के बाद चले जाते, लेकिन अभी हम सारे मंदिरों के दर्शन कर पा रहे हैं। और ये है मंदिर महाकालेश्वर महादेव, और यहाँ पे इनका घाट भी बना हुआ है, आपको घाट दिखा देते हैं। ये है महाकालेश्वर घाट, तो आइए आपको मंदिर के भी दर्शन करा देते हैं। हर हर महादेव। सब जगह जो शिवलिंग बना ना काफी हैवी वाले बने हुए हैं। चलिए हमने दर्शन कर लिए, अब बाहर तो निकलते हैं, दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं। यह है राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर महादेव मंदिर, और इनका घाट भी है यहाँ पे। ये घाट है इस तरफ में, तो स्नान वगैरह करना चाहे यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। फिलहाल हम दर्शन कर रहे हैं राजेश्वर महादेव मंदिर के। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए मंदिर तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 40 मंदिर तो इस घाट पे मौजूद हैं। यहाँ से लेके पूरे यहाँ से देखेंगे ना उस तरफ पूरे 40 के राउंड में मंदिर मौजूद हैं, लेकिन सारे मंदिर घूमना पॉसिबल नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत सारे मंदिर यहाँ पे बंद भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मंदिर हमने तो काफ़ी सारे घूम लिए हैं, बाकी हम आगे पहुँच नहीं पा रहे क्योंकि जगह नहीं है और बीच गाँव में से होकर जाना पड़ता है, उनके लिए रास्ता ना उधर से जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं फेरी, आप यहाँ पर आके इस चीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। यमुना जी में आप इसमें जाइए, घूमिए फिरिए। और देखिए मंदिर के अंदर ना काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जैसे कि मेरे को लगता है यहाँ पूजा वगैरह करवाई जाती होगी ना उस टाइम पे, तो काफ़ी लोगों के रुकने की व्यवस्था भी है। जैसे मेले के टाइम पे काफ़ी भीड़ आ जाती है, बहुत दूर दूर से लोग ना यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो जैसे अगर वो रात को रुकना चाह रहे हैं तो यहीं पर अपना विश्राम वगैरह कर लेते हैं। तो काफ़ी व्यवस्था करी हुई है, व्यवस्थित जगह है ये। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पातालेश्वर महाराज महादेव के मंदिर में, तो आइए अंदर को चलते हैं। तो ये मंदिर अभी बंद हो रखा है, तो काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पे ना बंद हो रखे हैं। तो फिलहाल जो जो मंदिर खुले थे वो हमने आपको दिखा दिए हैं, और काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पे बंद हैं।
बाकी मंदिर आप देखेंगे ना बहुत शानदार जगह पे है। ये देखिए यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको, तो सामने यमुना जी हैं और इस तरफ ये मंदिर बना हुआ है। चलिए तो आइए एक और मंदिर आइए, यहाँ पे भी चलते हैं और ये अंदर घुसने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ इस साइड में शिवलिंग है, ये देखिए आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। और जो मेन मंदिर है वो इस तरीके का है कुछ, ये देखिए। और मंदिर तो खैर बंद है ये भी, तो इस टाइम पे देखा जाए तो हमने जो दर्शन किए हैं बहुत सारे मंदिर में गए हैं और 7-8 मंदिरों में हमारे दर्शन भी हुए हैं और बहुत सारे मंदिर यहाँ पे बंद मिले हमें। और ये बांके बिहारी जी का मंदिर है, ये देखिए किशन भगवान और राधा रानी इनकी प्रतिमा लगी हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फिलहाल मंदिर बंद है लेकिन फिर भी हमने दर्शन कर लिए हैं और सेम वही बात, मंदिर कितना अच्छा है ये आप देखेंगे तो, और उसके साथ में जो नज़ारे हैं वो बहुत सुंदर है। ठंडी हवा आ रही है इस टाइम यहाँ पे और यमुना जी के पास से ठंडे ठंडे पानी से टकरा के जो हवा आ रही बहुत ठंडी है। और ये एरिया आप देखेंगे ना, ये देखिए ये थोड़ा बिगड़ सा एरिया है और यहाँ के जो मकान है ना काफ़ी पुराने कच्चे मकान हैं, ये देखिए टूट भी रखे हैं कहीं की जगह पे ना। और इधर भी देखेंगे ऐसे ही मकान बने हुए हैं। इस गांव का नाम है बटेश्वर धाम बाह और ये आगरा में पड़ता है। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, हमारे साथ साथ हमने आपको भी दर्शन कराए हैं और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।